नमस्कार, साधना न्यूज विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं हेमंत केवलिया। प्रदेश में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का दौर अब शुरू हो गया और शिकायतों की लंबी लिस्ट चुनाव आयोग के पास आ चुकी है। रायपुर में कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर शिकायतों की बौछार की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा के कैलेंडर पर सत्तारूढ़ मंत्र की फोटो की शिकायतों को कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा रायपुर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष की दीवाल घड़ी पर राहुल गांधी की फोटो की शिकायत कर रहे हैं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे महापौर की टिकट दी और मैं महापौर के रूप में लगभग चार विधानसभा और धरसिंहा के भी तीन गांव जुड़ गए हैं तो पांचवी विधानसभा भी है उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही हूं पार्टी का। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि पार्टी की तरफ से मैं शिकायतें जरूर करूं। चुनाव लड़ रहे हैं और रायपुर राजधानी है, यहां का चुनाव हाईटेक होता है तो स्वाभाविक रूप से विरोधी दल जो है वो इस काम को करेंगे ही। जिनको अपनी हार दिखाई देती है वही लोग। साफ है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर थी जब चुनाव आचार संहिता लागू नहीं थी। अब आचार संहिता लागू हो चुकी है तो वहां पर भी खींचतान लगी हुई है और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश गुप्ता जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं भाजपा विधिक समिति से, हमारे साथ मौजूद हैं, और वहीं विकास उपाध्याय जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। नरेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, काफी समय भी हो चुका, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आवाज नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब मिली जी। हाँ। नरेश जी, सवाल वही है कि लगातार जिस तरीके से चुनाव बेहद नजदीक हैं, चुनाव आचार संहिता की अगर बात करें, तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उल्लंघन की स्थिति लगातार बनी हुई है आचार संहिता की। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री संपत जी से बात की, हमने उनको आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से आपको कॉपरेट करेगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इश्यू पर, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसपे आयोग के जो स्थानीय छत्तीसगढ़ स्तर के अधिकारी हैं वो उसका इंटरप्रिटेशन ढंग से करें और उसको जवाबदारी से निभाएं। देखिए, छोटी छोटी बातों में, जैसे ब्रिजमोहन जी का एक कैलेंडर बट रहा था उस पर शिकायत की हुई, वो कैलेंडर दिसंबर 2013 तक का है। देखिए, किसी ने उस कैलेंडर को बांटा, कौन बांटा नहीं मालूम है। यदि वो ऐसी कोई चीज होती तो आज वो नहीं आती। और आपको काउंटर पर बता रहा हूं, कल इनके विधायक है कसडोल विधायक श्री राजकमल सिंघानिया जी की चार गाड़ियां जब्त हुई जिनमें पैसे थे और झंडा प्रचार सामग्रियां थी वो जब्त की गई। इनके एक्स सीएस के लड़के और बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट आदमी जिसको माने जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन के बहुत हेड रहे हैं जी, वो श्री टीएस सिंह जो 50-25 हजार लोगों को भोजन कराते हैं, 50 हजार साड़ी बांटते हैं, कंबल बांटते हैं जी, छत्ता बांटते हैं। आप कल्पना करिए, चुनाव घोषणा के उपरांत यदि आप उस एरिया के राजा रहे हैं, आपको अपनी जनता को खुले दिल से बांटना था तो चुनाव की घोषणा को पहले बांट लेते। ये कौन सा तरीका है? और बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं की जा रही है। हमारे विपक्षी भाई तो जनता, जो गरीब जनता है उनके मुंह से निलावे छीन रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं उसका फायदा जनता को मिलेगा तो वो जनता को वोट देंगे, इसलिए जितने सामाजिक सुरक्षा की योजना है उनको बंद करा दिया उन्होंने। बिल्कुल नहीं, बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन साफ देखने को मिल रहा है। उनके पैसे रुकवा दिया इन्होंने जी। नरेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी आचार संहिता का उल्लंघन साफ देखने को मिल रहा है। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप अभी खुद आपके सामने लगाया गया कि क्या वाकई कांग्रेस आचार संहिता का पालन नहीं कर पा रही? लगातार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, लगातार चाहे मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे उनके गृह जिले के अंदर में ग्रामीण अंचल के लोगों को लुभावने का काम हो, एक भोजन देने का काम हो, या रामानुजगंज के अंदर में एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे के मंत्री ने अश्लील नृत्य कराया हो, चाहे सरगुजा के अंदर मच्छरदानी के अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो चस्पा की गई हो, लगातार नवरात्रि के अंदर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी जो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी मंत्री हैं,
लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करते जा रहे हैं, आचार संहिता का मौखाल उड़ाने का काम किया, कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने का काम किया। नवरात्रि में गली गली में जगराते के प्रोग्राम कराए गए जिसमें बड़े बड़े लोगों बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया गया और मंच पर उन कलाकारों ने यह कबूल किया है कि हम लोगों को फलाना मंत्री के सौजन्य से, बृजमोहन अग्रवाल जी के जन्य से, राजेश मूणत जी के सौजन्य से आपके बीच में आने को मिलता है। दो दशहरे के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें स्टार प्रचारकों को बुलाया जाता है, स्टार प्रचारक खुद मीडिया के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल करने का काम करते हैं, जहां 50,000 दशहरे के अंदर लोग होते हैं वहां इनके कैलेंडर बटने का काम होता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता साड़ी बांटना, कैलेंडर बांटना, चूड़ी बांटना, बिंदी बांटना लगातार, बिल्कुल विकास जी इन सारी तमाम बिल्कुल इन तमाम हरकतों को आपने चुनाव आयोग के सामने शिकायत भी दर्ज करा दी है। उनका काम है चुनाव आयोग का कि वो शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई वो करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पहले चल रही थी अब आचार संहिता को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी कभी इस प्रकार की सोच नहीं रही। एक संस्था यहां पर चुनाव कराने आती है निर्वाचन आयोग, और जिसको भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता एजेंट की संज्ञा का नाम देते हैं, एजेंट की परिभाषा का नाम देते हैं, बड़े शर्म की बात है। जो निष्पक्ष चुनाव कराने की बात यहां पर हो रही है, निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग अपना काम करता है, अपनी शिकायतों पर मुख्यमंत्री का आवाज को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया जाता है तो उसकी आवाज कहीं ना कहीं तो उठेगी, उसकी शिकायत कहीं ना कहीं जाएगी, जिसकी कहीं ना कहीं गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उसमें पहल करने का काम किया है। आज भाजपा पार्टी के तमाम नेता, तमाम बड़े मंत्री इस बात पर खाली पैसे के दम पर और निर्वाचन आयोग का जी विकास जी नरेश जी से जान लेते हैं। नरेश जी, क्या वाकई जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की मामले, बिल्कुल नरेश जी एक बार आपसे जानना चाहूंगा, आपके खुद मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल जी वोरा, चरणदास जी महान, नवीन चौबे, इनके क्या कितने लोगों ने दिल्ली में क्या बैठकें होती है, रायपुर में क्या बैठकें होती है, दुनिया जानती है। जो चीज नहीं होनी है उसकी बात जोर से हो जाएगी तो मेरे बड़े भाई हैं, अनुभव मेरे से ज्यादा होगा, लेकिन सच्चाई को झुठलाने का काम हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश के अंदर, राजधानी के अंदर आम आदमियों को और निर्वाचन आयोग का माहौल और उसका मजाक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो लगातार इनके नेता लगातार इस बात को बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ताकत से अपने ताकत का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, चिल्लाकर बोलना विकास जी, जिस तरीके से अभी खुद बीजेपी की अगर बात करें, बिल्कुल नरेश जी आपके पास आऊंगा, मिल जाए लेकिन रमन सिंह को ना मिले जी, नरेश जी आपके पास भी आऊंगा। विकास जी, जिस तरीके से खुद बीजेपी की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले गृहमंत्री ननकी राम जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से शह मिल रही है अधिकारियों की, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने वाले इस बार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगातार निर्वाचन आयोग का और कोड ऑफ कंडक्ट का मजाक बनाने का काम कर रही है, और रोज दिन प्रतिदिन अभी शिकायतें की दौर चालू हुई है। आम आदमी इनके टोल फ्री नंबर पर जब शिकायत करने की बात लगातार कर रहा है, आम आदमी ने शिकायत उठाई है, इनका साड़ी बांटने का काम, इनका जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, इनकी शिकायत अगर किसी ने की है तो आम आदमी हमारे पास शिकायत लेकर आता है। कहीं ना कहीं इस पर एक नजरिया होना चाहिए, इस पर एक सोच होना चाहिए। जब चुनाव आयोग चुनाव निर्वाचन कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल विकास जी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी तक टिकटों का फाइनलाइजेशन वहां पर नहीं हो पाया, ऐसे में जो विधानसभा के जो विधायक हैं वो अपना प्रचार किस तरीके से करेंगे, आचार संहिता के उल्लंघन की बात बाद में सामने आएगी, लेकिन अभी अपने घर में वो अपने आप को कैसे बेहतर साबित कर पाएंगे ये भी एक सवाल खड़ा होता है। आपके यहां से सूची जारी कर दी गई है, पहली सूची आपके यहां से जारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जारी नहीं हुई।
लगातार हमारे तमाम कैंडिडेट, हमारे तमाम पदाधिकारी निर्वाचन आयोग को ध्यान में रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट जो कानून बने हैं उसके तहत रहे और उस पर विचार कर संस्था यहां पर आकर चुनाव करवा रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता एजेंट के रूप में कहने का काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शिकायत भी हम लोगों की है कि उन नेताओं पर कार्रवाई होने की बात होना चाहिए, उनके शिकायत पर अमल किया जाना चाहिए। ये हमारी आपत्ति करो तो ये जैसे सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं ना, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन को इंदिरा गांधी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है किसी भी चीज को जोर से बोल रहा, गलत चीज को अगर बड़े भाई गलत चीज को अगर आप बोलकर सोचेंगे कि मैं सच्चाई कबूल करवा दूंगा तो ये नहीं हो सकता। अपनी बात पर अमल नहीं कर रहे, आप अपनी सच्चाई को कबूल कर रहे काम नहीं कर रहे। आचार संहिता का लगातार उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं छोटे छोटे आम आदमी। चुनाव आयोग अपना काम करेगा। आचार संहिता का उल्लंघन जहां होता है वहां पर चुनाव आयोग अपना काम करेगा। ये उसकी कार्रवाई है कि किस तरीके से कार्रवाई शुरू करनी है, लेकिन सवाल इस बात का है नरेश जी, उस बात का एक मिनट चर्चा नहीं की। हमने जनता को जो त्राही त्राही करके प्राइवेट गाड़ी ले जाई जा रही है, जो उनसे पैसा जब्त करके उनको तंग किया जा रहा है, उसके हमने आपत्ति। तमाम पिछले 10 वर्षों में किसने भ्रष्टाचार का कार्य किया, कितना पैसा उनके मंत्रियों ने कमाया, ये इस रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक आदमी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के पूर्व कर्जे में रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हजारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर चुनाव लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास जी, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगी। मैं आपको सुन पाऊंगा इस तरीके से चर्चा ये नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग की शक्ति की हम बात कर रहे थे, लेकिन नेताओं का पैसा स्विस बैंक में है, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पास मादकों के साथ जब्त होते हैं, उनको वाचन होता है, उनके पास तीन तीन चार चार। चलिए नरेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल बड़े भाई जोर से चिल्लाकर बातें सच्ची नहीं हो जाती। जी नरेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ और ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर टीएस सिंधिया ने जो किया दुनिया। चलिए, जिसने जो किया वो अलग बात है, फिलहाल आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उसका पालन नहीं हो रहा। नरेश जी, आखिर वजह क्या है कि गृह मंत्री आकर साहब कहते हैं कि जो इस बार चुनाव होने वाले हैं वो निष्पक्ष नहीं होने वाले, आखिर डर कहां से उनको? तजुर्बा बता रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं हेमंत जी, जो सिस्टम पे काम हो रहा है ना, आयकर में पूरा लगा दिया उन्होंने, झोंक दिया, आदमी को चलना दुर्लभ हो गया। क्या आदमी अपने घर से दी है दुकान बंद करके जाएगा तो अपना कैशबुक लेके जाएगा, अपने खाते वही साथ में लेके चलेगा, मैं 50,000 रूपये आज बिक्री किया उसको लेके जा रहा हूँ। ये एक्सप्लाइटेशन का नया जरिया इन्होंने खोल दिया। इस देश के आदमी को क्या चाहते हैं ये? आप प्राइवेट गाड़ी में कोई आदमी चल रहा है उसको उतार दो आचार संहिता के नाम पर। आप सोचिए, सारी साल जितनी सामाजिक सुरक्षा की प्रोग्राम थे सारे बंद कर दिए गए, नया प्रोग्राम तो हमने नहीं लॉन्च किया, पुराने प्रोग्राम को बंद करने का आदेश नहीं है, लेकिन इनके दबाव में चुनाव अधिकारियों ने वो आदेश जारी कर दिया, छत्तीसगढ़ का चुनाव अधिकारी जो है। आप कल्पना करिए, ये चुनाव को किस रूप में, मतलब पूरे स्टेट को ये पैरालाइज करके ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें और सत्ता में आ जाए। मुख्यमंत्री बिल्कुल मच्छरदानी का डिस्ट्रीब्यूशन आज का नहीं है, पुराना है। ये कुछ भी बातें कर ले उससे क्या फर्क होता है? जी नरेश जी, क्या वाकई मानते हैं केंद्र में दबाव आ रहा है चुनाव आयोग पर, वाकई मानते हैं आप? पूरा दबाव है साहब आयकर आयोग के थ्रू, केंद्र गवर्न कर रही है, 100% गवर्न कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हो गया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात का अंदेशा हो गया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा इस प्रदेश में नहीं बन रही है? उसको देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से अपनी हार को कबूल कर रहे हैं और अपना पूरा हार का ठीकरा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर में, इस प्रदेश के एक एक जद्दा
कैसे मंत्री चुनाव के पहले चुनाव के पूर्व कैसे मंत्री चुनाव के पूर्व कर्जे में रहते हैं लेकिन चुनाव के बाद कैसे अरबों खरबों रुपए के मालिक हो जाते हैं इस प्रदेश की जनता जानती है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को एजेंट बोलने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ते में आकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को कबूल कर रही है। जहर जहर भैया कड़वा होता है लेकिन इसको तो आपको पीना पड़ेगा, जहर कड़वा होता है नरेश जी लेकिन इसको पीना पड़ेगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनने वाली नहीं है। बिल्कुल विकास जी, वो तो जनता को क्या करना है कि सरकार कितनी बनेगी या नहीं, बिल्कुल विकास जी बात से सहमत हूँ लेकिन ये तो जनता को तय करना है कि सरकार आखिर बनेगी किसकी। जनता का काम जनता पे छोड़ देते हैं लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कांग्रेस पर आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है उस पर चर्चा की जा रही है। वही नरेश जी, क्या बीजेपी की तरफ से पहली सूची अभी तक जारी नहीं की गई है? क्या लगता है कि सूची जब तक जारी नहीं की जाएगी आखिर प्रत्याशी जो है वहां के वो कैसे अपने आप को आगे प्रोजेक्ट कर पाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए सूची तो बहुत जल्दी आ जाएंगे लेकिन आपको ये बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक संघ में चुनाव लड़ती है। बहुत अच्छा आप पूरा हिंदुस्तान जानता है, बहुत वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। हम उस सिस्टम में हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी एक सिंबल होता है। हमारी पूरी टीम वार्ड लेवल से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक एक एक आदमी को जवाबदारी दी जाती है। वह पूरा काम आज भी चुनाव का काम हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हम पार्टी के लिए चुनाव लड़ते। हमारा पार्टी का सिंबल जन जन तक पहुंच गया है, हमारे मुख्यमंत्री का काम जन जन तक है। हम उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, हम नरेंद्र मोदी को डालेंगे। हमारा नरेंद्र मोदी वो अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, उनका ऑब्जेक्ट को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 सालों में जो काम किया उसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संगठन पूरा साथ है, हमारा इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कैंडिडेचर है लेकिन हम इंडिविजुअल नहीं, हम तो संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हमारा संगठन सब कुछ है। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका भी और नरेश जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम तरीके की अटकलें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही थी कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार उल्लंघन दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि केंद्र से संरक्षण चुनाव आयोग को मिल रहा है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से कार्य नहीं कर रहा, चाबी कहीं और है और गाड़ी कहीं और से चल रही है, साफ तरीके के संकेत बीजेपी दे रही है क्योंकि उसे खुलेआम उल्लंघन से रोका जरूर जा रहा है लेकिन वहां कांग्रेस मुक्त है। फिलहाल उतने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।